तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो स्विच बोर्ड होता है वो कैसे फिट करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है ये तीन वायर्स हैं, एक रेड है जो पॉजिटिव है और एक ब्लैक है जो नेगेटिव है और एक जो है ये ग्रीन है, तो ये है अर्थिंग। तो इस वीडियो में हम यही फिटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये है स्विच बोर्ड, तो ये स्विच और उसके साथ में ये राउंड थ्री पिन राउंड सॉकेट है। तो पीछे की साइड हम देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये रेड वायर यहाँ पे लगा के रखा है, तो यहाँ पे हमारा लगेगा रेड वायर, तो इसमें से करंट आएगा तो इस होल में जाएगा और इस पे लगेगा नेगेटिव ब्लैक और उसके बाद ऊपर लगेगा ग्रीन जो अर्थिंग का होगा। तो फिटिंग के लिए हमें वायर कटर और टेस्टर और ये दो स्क्रू लगेंगे और एक जो स्क्रू ड्राइवर है वो लगेगा, तो वो वीडियो में आगे मैं दिखा दूंगा आपको। तो चलिए अभी बोर्ड की जो है फिटिंग करेंगे अभी। तो ये थ्री पिन राउंड सॉकेट और एक स्विच है, ये बोर्ड बना दिया है हमने, तो ये अभी हम फिटिंग करेंगे। एक बार आप ठीक से देख लीजिएगा। तो ये सब करने से पहले हम लाइट जो है वो ऑफ कर लेंगे ठीक से, और उसके बाद ये वायर कटर है तो वायर कटर की मदद से ये वायर का अंदर का तार हम निकाल लेंगे। एकदम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे दबा के तो ये निकल आएगा, पूरा दबाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो करंट है कि नहीं ये चेक कर लीजिएगा लाइट बंद करके, तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि लाइट यहाँ पे सप्लाई चालू नहीं है। तो ऐसे करके हर एक वायर का जो अंदर का तार है वो निकाल लेना है, और फिर यहाँ पे जो है ये रेड वायर हमारा पॉजिटिव है, ब्लैक वायर जो है वो नेगेटिव है और ग्रीन वाला वायर जो है वो अर्थिंग का है, यानी रेड में जो है वो सप्लाई आता रहेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये जो है ये बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे ये जो स्क्रू है वो टाइट करेंगे या फिर लूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रेड वायर हमने डाल के रखा है तो ये ऐसे ही रहने देना है, और बाकी जो स्क्रू है वो हमें लूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो है वो हम वायर लगाएंगे। तो ये सब इस तरह से स्क्रू लूज़ करेंगे और ये जो रेड वाला है वायर लगाया है तो इसका ये टाइट रहने देंगे, और ये जो लगा और वायर लगाने का है तो वो जो स्क्रू है वो लूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद ये जो पॉजिटिव वाला वायर है वो हम स्विच के निचले हिस्से में लगाएंगे, जहाँ पे रेड वाला वायर हमने ऑलरेडी डाल के रखा है उसके नीचे। तो यहाँ से क्या होगा ये स्क्रू हम टाइट कर देंगे, तो इसमें जो सप्लाई जाएगा वो स्विच पे रहेगा, तो स्विच चालू करेंगे तो वो सप्लाई चालू होगा और वो जाएगा उस होल में। तो ये जो दूसरा वाला वायर है वो रेड के साथ में लगाना है, उससे पहले ये हम गांठ निकाल लेंगे और ब्लैक वायर जो है वो फ्री करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये रेड वाला वायर है उसके पास ही में ये ब्लैक वाला वायर लगेगा जो नेगेटिव का है, फिर स्क्रू टाइट कर देंगे, और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला वायर है तो ये अर्थिंग का वायर है वो ऊपर वाले हिस्से में लगेगा यहाँ पे। तो ये फिटिंग करते वक्त ध्यान से कीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि ये लूज ना हो और निकल ना आए। तो ये वायर की सब फिटिंग जो है वो आप ठीक से देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो है रेड वायर में जो है करंट आएगा पॉजिटिव में, और उसके बाद स्विच चालू करने पे ये आगे बढ़ेगा और ये रेड वायर में से आगे जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद जो नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ऊपर वाला जो है वो अपना ग्रीन वायर है तो उसमें अर्थिंग का होगा। तो ये बोर्ड जो है ये हम ऐसे फिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बोर्ड जो है बहुत ही अंदर हो गया है तो ये स्क्रू बैठ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो स्क्रू है वो बड़े वाले स्क्रू लाएंगे, उसके बाद ये फिटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है फिटिंग कर ली है और ऊपर से जो इसकी प्लेट लगा दी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।